गाड़ी स्टार्ट कर। बांग्लादेशियों तुम्हें इतनी मौत मारेंगे ना, जिस दिन हमें मौका मिल गया ना, हमारी सरकार से यही निवेदन है कि एक बार मौका दे दो यार बांग्लादेश पे हमला करने का, ठीक है? उस दिन देखना साला तुम्हें बांग्लादेश ऐसा सुधारेगा ना, घसीट घसीट के मारेंगे, ठीक? इतना गुस्सा आ रहा है ना यार, इतनी आग लगी है ना साला बांग्लादेशियों, सुधर जाओ। कुछ दिनों से आप देख रहे हो अपने भाई, अपने हिंदू भाइयों पे कितना जुर्म हो रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। भारत के अंदर इस वक्त बंगालियों को सुना है होटलों में जगह नहीं दी जाती, लोग मकान किराए के नहीं दे रहे, जाहिर है वहां भी अनरेस्ट हो, वहां भी लोगों का रिटेलिएट तो करेंगे। आप अगर हिंदुओं के साथ बंगाल के अंदर आपने उनके साथ इस तरह करेंगे तो उसका रिटेलिएशन तो होगी, ये तो एक्शन हैज रिएक्शन। या हमारे भारत के जो मुसलमान कह रहे हैं कि अब जो बांग्लादेश में हो रहा है वो इस्लामिक तरीके से हो रहा है, तो क्या हम ये मान लें कि इस्लाम में रेप करना जायज है? क्या हम ये मान लें कि इस्लाम में दूसरे की आस्थाओं को तोड़ चूर करना जायज है? क्या हम ये मान लें कि मासूमों का कत्ल करना इस्लाम में जायज है? क्या हम ये मान लें कि जमाते इस्लामी, इस्लाम के मानने वालों की जमात जो है वो टेररिज्म एक्टिविटीज करती है? हरकतुल इस्लाम, इस्लाम की हरकतों पर चलने वाले लोग एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। हिफाजतुल इस्लाम, इस्लाम की हिफाजत करने वाले वाले टीम वो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। जैश ए मोहम्मद, मोहम्मद की सेना रेप करती है, क्या हम ये मान लें? क्योंकि कर तो वही रही है, कर तो वही रही है ना। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश के लिए अब कड़ी चेतावनी आ रही है। वहीं भारत में अलग अलग संगठनों से लोग सड़कों पे उतर रहे हैं और बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों के लिए जो सिक्योरिटी क्लियरेंस था वीजा का, वो खत्म करके बहुत ही जल्द उनको वीजा दिया जा रहा है और पाकिस्तान से जमात के लोग लगातार बांग्लादेश आ रहे हैं और बांग्लादेश को भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश को मदद कर रही है। इसी के ऊपर ये पूरा पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो हम एंड तक देखने वाले हैं। जैश ए मोहम्मद क्या कर रहा है? टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश में क्या कर रहा है? इस्लाम के मानने वालों की जमात क्या कर रहा है? वो शेख हसीना का ब्रा चड्डी हवा में उड़ा रहा है, वर्बल मोलेस्ट कर रहा है। तो क्या इस्लाम के मानने वाले जमात, जमाते इस्लामी का काम अपने ही हम कलमा बेटी का ब्रा चड्डी उड़ाने का काम है? हरकतुल इस्लाम, इस्लाम की हरकतों पर चलने वाले क्या हिंदुओं की बहु बेटियों को का रेप करने के लिए है? इस्लाम की हरकत पर चलने वाले, हिफाजतुल इस्लाम, इस्लाम की हिफाजत करने वाले क्या हिंदुओं की बहु बेटियों का रेप करते वक्त वीडियो बनाना उनका काम है, उनका कर्तव्यों का पालन है? और उसके वर्जाइना में बेयर और दारू के बोतल ठूसना और उसका वीडियो वायरल करवाना, क्या ये काम है इस्लाम की हिफाजत करने वाले टीम का, ऑर्गेनाइजेशन का? तो अगर वाकई में मुसलमान इस्लाम को बहुत खूबसूरती से और शांति प्रिय के हिसाब से मानता है, तो आज तक चलिए हम तो 77 साल को ही जोड़ेंगे, हम तो अभी एडी, हिजरी और सेंचुरी में नहीं जाते हैं, आज तक 77 साल में क्या एक भी मुसलमान ने यह आवाज उठाया कि तुम ये नाम हिफाजतुल इस्लाम नहीं रख सकते हो क्योंकि तुम रेप करते हो, क्योंकि तुम बम गोली मारते हो, क्योंकि तुम मासूमों की हत्या करते हो, तुम दूसरों की बहु बेटियों को निर्वस्त्र करते हो, तुम दूसरों के धार्मिक स्थान को तुम जलाते हो और तोड़ते हो, मैं ये नाम हिफाजतुल इस्लाम नहीं रखने दूंगा क्योंकि इस्लाम हिफाजत करने का नाम है, ये रेप करने के लिए नहीं यूज किया जा सकता, क्या किसी मुसलमान ने कहा? क्या किसी मुसलमान ने कभी कहा कि जैश ए मोहम्मद का मतलब मोहम्मद की सेना होती है और हम तुमको टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद का नाम बदनाम करने के लिए नहीं रखने देंगे? क्या किसी ने कहा? नहीं कहा। तो इसका मतलब है कि दे ऑल आर कन्विंस्ड कि जैश ए मोहम्मद नाम रखो और 9 साल की, 6 साल की, 7 साल की, 11 साल की, 72 साल की, 25 साल की, 62 साल की सब करे। बांग्लादेश में जो पिछले 2 हफ्तों से हिंदूज के साथ हो रहे ना, उसके बारे में जरा मैं आज खुलकर बात करूंगा। जब पैलेस्टाइन की बारी आती है कि भाई इसराइल पैलेस्टाइन पे बहुत जुल्म कर रहा है, ऑल आईज ऑन राफा, ये सब हो जाता है कि भाई ह्यूमैनिटी पर अटैक, पैलेस्टाइन पे कुछ अगर हो गया, वो लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं वो अलग बात है, अगर पैलेस्टाइन पे कुछ भी हो गया तो भाई ह्यूमैनिटी खतरे में आ गई,
बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूस के साथ अभी हो रहा है, मंदिरों पे अटैक हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, इनोसेंट बच्चों को उठाया जा रहा है, लड़कियों के रेप हो रहे हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा, और बोल भी रहा है तो क्या? अरे भाई चलो हमें बहुत बुरा है। ऑल आईज ऑन राफा जब हुआ था ना पैलेस्टाइन पर, मोर देन 1 बिलियन लोगों ने करा था, और अभी नहीं नहीं भाई, क्यों? मैं आपको रीजन बताता हूं उसका। पैलेस्टाइन पर जब बात आती है ना तो बहुत कूल होते हैं वो, ये जो पूरी जो लेफ्ट लॉबी बैठी हुई है ना, इनको बहुत कूल लगता है कि भाई हमने पैलेस्टाइन पर बात करी है, भाई बहुत कूल कूल बन गए हम। बांग्लादेशी हिंदू पर तो हम कूल नहीं बनेंगे भाई, क्योंकि ये तो एक्चुअल मैटर है, ये तो एक्चुअल में हो रहा है। अगर हम एक्चुअल में जो चीज हो रही है हम उस पर बात करेंगे तो फिर हम कूल थोड़ी लगेंगे, तो नहीं करते लोग बात। और अभी जो है वो जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वापस प्रेसिडेंट बन रहे हैं, हम सबको पता है, और डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो बांग्लादेशी हिंदू पर जो हो रहा है उस पर वो एक्शन लेंगे, इसराइल के जो हॉस्टेजेस अभी तक हमास के पास हैं उस पर एक्शन लेंगे। तो मैं बस वेट कर रहा हूं जनवरी तक का। जनवरी के बाद जो इन लोगों की चीखें निकलेंगी ना, वो आप लोगों के भी सामने होंगी, मेरे भी सामने होंगे। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि बांग्लादेश में चल क्या रहा है। बांग्लादेश में लगातार हिंदू संगठनों पे, हिंदुओं पे, उनके घरों पे, उनकी दुकानों पे, उनकी बहु बेटियों पे और उनके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उन पर कब्जा किया जा रहा है। ऐसी ऐसी वीडियोज आ रही हैं जिन्हें हम यहाँ पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। दोस्तों किस तरह से हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, तो जागरूक हो चुका है, सड़कों पर रैलियां निकल रही हैं, भारत सरकार भी कुछ न कुछ पर्दे के पीछे एक्शन में लगी हुई है। भारत सरकार को काफी चीजें देखनी पड़ती हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि भारत सरकार को तुरंत आर्मी भेज देनी चाहिए, कई एलिमेंट्स देखने पड़ते हैं, कई चीजों को देखना पड़ता है जिसके बाद कोई डिसीजन लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार कुछ कर नहीं रही है, डेफिनेटली हमारी सरकार पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक साथ ठिकाने लगाने में लगी हुई है, और बांग्लादेश की तो अब कान पकड़कर पिटाई करनी शुरू कर दी है, क्योंकि अब जो खाद्यान्नों की आपूर्ति थी वो खत्म हो रही है। सुनने में ये भी आ रहा है कि बांग्लादेशी बॉर्डर पर आकर कह रहे हैं कि जो भी खाद्यान्नों की सप्लाई बंद हुई है उसके बदले तुम सोना ले लो। भारत ने यहां से जाने वाले जितने भी खाद्यान्नों की आपूर्ति है उसको कम करने की बात की है, कई जगह से ठप भी हुआ है। त्रिपुरा के लोगों ने बॉर्डर बंद करके वहां पर कड़ा प्रदर्शन भी किया है ताकि बांग्लादेशियों को सबक मिल सके। दोस्तों बांग्लादेशी गवर्नमेंट में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि अल्पसंख्यकों को सामने नहीं देख सकते, उनका नरसंहार करने की बात चल रही है। कई जगह लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट भी हुई है, अगर अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश में रहना है, खास तौर पे हिंदुओं को अगर बांग्लादेश में रहना है तो उनको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, अदरवाइज उनको मार दिया जाएगा, उनकी जान का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत में अब उबाल आ रहा है। आपके क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।